सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y18T डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने डिवाइस कंट्रोल को ऑफ कैसे करेंगे, और जिनको यूज करना नहीं आता उनको मैं बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। तो अभी हम फिलहाल थोड़ा सा डेमो करते हैं, क्योंकि डिवाइस कंट्रोल जो है काफी लोगों की ये थॉट्स रही है कि ये बंद नहीं होता। हालांकि ऐसा होता था, एंड्रॉयड 12 में ये बंद नहीं होता था, 13 में भी इवन बंद नहीं होता था, बट ये 14 के अंदर अभी करंट टाइम पे ऑफ करने का इसका ऑप्शन आ चुका है, हम आसानी से इसको ऑफ कर सकते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर डिवाइस कंट्रोल को इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए पहले क्या था कि आपको अबाउट फोन में जाके एंड्रॉयड वर्जन पे क्लिक करके वहां से क्लॉक सेट करना जाता था। उसका जो देखो एंड्रॉयड का जो आइकन होता ना, उसमें क्लॉक पहले मिलती थी, जो जिसमें भी एंड्रॉयड 12 रन कर रहा होगा उसमें देखना है क्लॉक होगी, इस तरह से घूमता है, तो उसको अगर आप वहां पर सेट करते थे 13 में भी क्लॉक थी। अभी 14 में ये ऐसा नहीं है, 14 में आप आसानी से डिवाइस कंट्रोल को इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। अभी देखिए मेरे पास कंट्रोल सेंटर के अंदर ये डिवाइस कंट्रोल है, अभी करंट टाइम पर डिसेबल है। एक बार इसको प्रेस करेंगे, इसके सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे, एंड्रॉयड स्टार एक पे क्लिक करना है, एंड इसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं, और आई डोंट नो कि इसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है, किसी को पता हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने अब तक इसका यूज़ नहीं देखा, मैंने काफ़ी बार इसको कोशिश करा समझने की, बट ये समझ नहीं आया। बस इसका काम ये है कि इसको बॉक्स सुगर चेक मार करके सेव कर देंगे और स्वाइप करके, मैंने फिल में यहाँ पर स्वाइप फिल का ऑप्शन दिया गया, बहुत बार ट्राई किया इधर उधर करके, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया कि इसका यूज़ क्या है। फिलहाल अगर आपको समझ में किसी को भी आता है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। अब देखो ये ऑन हो गया होगा, मेरे केस में ऑन हो चुका है, बस यही प्रॉब्लम होती थी, ऑन होने के बाद ये बंद नहीं होता था, इसके लिए फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता था पहले। अभी यहाँ से बंद हो जाएगा। अभी देखो करना क्या, इसमें दो तरीका मिलता है बंद करने का। पहला तो जो हमने ऑन करा है यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको रिमूव ऐप कर सकते हैं। सेकेंड तरीका ये है कि जो हमने बॉक्स को यहाँ पर चेक मार्क किया हुआ है इसको जस्ट अनचेक करके सेव कर देना। जैसे हम सेव करेंगे हमारा ये डिवाइस कंट्रोल सक्सेसफुली ऑफ हो जाएगा, देख सकते हो ऑफ भी हो चुका है। तो ये है इनेबल एंड डिसेबल करने का ऑप्शन डिवाइस कंट्रोल को। आई थिंक समझे होंगे क्या था डिवाइस कंट्रोल, कैसे यूज करना था वीवो के Y18T डिवाइस के अंदर।